वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी पर झूठा आरोप लगाकर मुंबई पुलिस फंस गई है। बीते दिनों इस मामले पर शिवसेना का भी बयान आ गया है। सांसद संजय राउत ने मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत ट्वीट किया और असत्यमेव जयते लिखा। इससे साफ हो गया कि दोनों ने मिलकर ये साजिश रची है और इसका भांडाफोड़ भी हो गया है, क्योंकि एफआईआर की कॉपी में कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है। इसके बाद अर्णब गोस्वामी ने उद्धव सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कमिश्नर परमबीर सिंह से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और पालघर केस में देश को हमने सच दिखाया है और इसी की वजह से रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुझे चुनौती दी है, आपको चुनौती दी है कि हम रिपब्लिक भारत रिपब्लिक टीवी को बंद कर देंगे। ये डरे हुए लोग, ये हारे हुए लोग, ये बेबी पेंगुइन को बचाने वाले लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि देशवासियों आपके संघर्ष ने साबित कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि आपके समर्थन ने साबित कर दिया कि पालघर में संतों की हत्या हुई थी। जो लोग गुनाहगारों को बचाना चाहते थे उन्हें आपने देश के सामने खड़ा कर दिया। इसीलिए सोनिया सेना और उसके प्यादे परमबीर सिंह जन समर्थन पर, जन आंदोलन पर, जन ज्वार पर प्रहार करना चाहते हैं। देशवासियों आज मैं आपसे आपका साथ मांग रहा हूं, क्योंकि आपकी जन क्रांति को मारने की साजिश हो रही है। उठाइए मशाल, जलाइए और बुलंद आवाज में बोलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके अलावा भी अर्णब ने कांग्रेस और शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बदले की ऐसी कार्रवाई से रिपब्लिक टीवी का एक एक सदस्य सच्चाई के पीछे और मजबूती से खड़ा होगा। मामले पर घिरने के बाद मुंबई पुलिस अब अर्णब पर चुप्पी साध ली है। वहीं पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आरोपों की जांच हो रही है, उसके बाद अर्णब को समन भेजा जाएगा। बीते दिनों एक चैनल से बातचीत में परमबीर ने कहा था अर्णब को समन भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समन नहीं भेजा गया है। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई पुलिस ने दबाव में अर्णब पर तो कार्रवाई नहीं की है? जब एफआईआर की कॉपी में कहीं भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमबीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी का नाम क्यों लिया? रिपब्लिक मीडिया द्वारा कहा जा रहा है कि एफआईआर कॉपी में इंडिया टुडे का नाम है, इसके बावजूद परमबीर सिंह ने इंडिया टुडे का नाम ही नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।